अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो आज जुम्मा है, तो सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक, ठीक है। दूसरी बात है वो ये है कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल लगाया था कि मुझे बताओ, मतलब कि आप लोगों को किस तरह के व्लॉग्स चाहिए या क्या व्लॉग्स में चाहिए, ठीक है। तो उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने, मतलब ये 3-4 लोगों ने ये बोला था कि आप हमें अपनी डेली रूटीन शेयर करें। मेरी डेली रूटीन में कुछ भी खास नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ भी रूटीन से हट के नहीं होता, लेकिन मैंने कहा चलो आज के दिन आपको पे साथ रखती हूँ और बताती हूँ कि आज मैं पूरा दिन क्या करती रहती हूँ, आप लोग साथ रहिएगा। अभी तो सबसे पहले मैंने अपने कपड़े रेडी करके इधर रख लिए हैं जुम्मे के लिए, ठीक है। तो अब मैं नहाऊँगी, जुम्मे की नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सर्दियों में तो फ्लू की समझ आती है, लेकिन गर्मियों में फ्लू क्यों हो जाता है ये मुझे कभी समझ नहीं आती। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ठंडे पानी पीने की वजह से, और ठंडे पानी के बगैर तो मैं रह नहीं सकती। मैं अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है, बहुत ही बुरी आदत है मेरी कि मैं मुझे उठ के भूख नहीं लगती है और मैं उठ के कुछ खा नहीं सकती हूँ, तो सिर्फ मैंने पानी पिया है। और डेली उठ के मैं जो भी रोज़ के कपड़े होते हैं वो सबसे पहले मैं मशीन लगाती हूँ और उसमें डाल देती हूँ ताकि जो है ना वो धुल जाएँ, क्योंकि गर्मियों में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो इस तरह से बड़ी आसानी हो जाती है। सनब्लॉक लगा लेते हैं, मैं डेली जो है ना सनब्लॉक ज़रूर लगाती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मेरी स्किन थोड़ी नहाने के बाद स्पेशली या मुँह धोने के बाद ड्राई हो जाती है, तो इसलिए जो है मैं लोशन के बीच में ना सनब्लॉक ऐड करके लगाती हूँ। आपको तो बताइए वाला सीन नहीं है, मैंने थोड़े दिनों में छोड़ दिया थोड़ी सी ना, तो उसके बीच में सनब्लॉक भी लग जाता है, क्योंकि गर्मी होती है और ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बाहर जाना, बल्कि गर्मी होती है तो अगर आप मतलब चूल्हे के सामने हैं या कुछ बना रहे हैं, कुछ पका रहे हैं, तो उसकी हीट से बचने के लिए भी मैं ना सनब्लॉक लगा लेना चाहिए। कि सनब्लॉक लग चुका है, मैंने एक लाइट सा शेड बिल्कुल लिया फिर पीछे पिंक सा, और उसका थोड़ा थोड़ा सा करके मैं लिपस्टिक लगा दिया इसमें देखे, और यही शेड मैं अपने चीज पर थोड़ा थोड़ा सा लगाऊंगी इस तरह करके, उसको फिर मिक्स कर देंगे। ठीक है, बस इस तरह से करना है, बस सनब्लॉक लगाया है, उसके बाद थोड़ी सी ऊपर से हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, वो एक गालों पे लगा ली है, वो भी सब कुछ कर लिया है, ठीक है। हाथों पाँव पे आपने अच्छे से लोशन लगा लेना नहाने के बाद, उसके बाद बस अब मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ती हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो रही है, तो बस जुम्मे वाले दिन थोड़ी सी तैयारी करती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है कि जुम्मे वाले दिन अच्छे से नहा धोकर आप तैयारी करें, थोड़ा सा अपने आपको फ्रेश फील कराएँ, थोड़ा सा अच्छा फील कराएँ, फिर आप तस्बीह पढ़ें, नमाज़ पढ़ें। जी तो नमाज़ पढ़ ली है, जो मेन काम था अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया, अब साथ साथ तस्बीह कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही रहेंगे, आप लोग भी पढ़ते रहा करें, दुरूद पढ़ लिया करें या कोई भी और तस्बीह जो है वो साथ साथ करते रहा करें। अब बस सफाई भी है, कमरा भी पूरा फैला हुआ है, कमरा भी इस तरह से हुआ हुआ है सारा, तो ये रात को बैठ के मैं आपको यहाँ पर मूवी देखते रहे, इसलिए लैपटॉप इधर पड़ा हुआ था, उसके बाद ये सारी थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये सारा कुछ ईशा को मैं कहती हूँ कि वो आए और जल्दी से समेटते हैं, ठीक है। उसके बाद मशीन के अंदर जो है वो कपड़े डाल दिए हैं, और अब मेरा दिल है कि खाना तो रात को बनाना था, लेकिन मेरा दिल है कि मैं अभी बना लूं, क्योंकि अगर मैं अभी बना लूंगी तो मैं वीडियो बना सकती हूं, तो मैं वीडियो शूट कर लूंगी, तो अगर मैं खाना लेट बनाऊंगी तो फिर एक वीडियो बनाते हुए भी एक टेंशन रहती है कि यार खाना बनाना है, तो वीडियो भी आराम से कौन से नहीं बन सकती। घर की थोड़ी बहुत सफाई आधी हो गई है, आधी होने वाली रहती है, तो बस वो सारा कुछ साफ़ हो जाए तो बस सुकून हो जाएगा, और फिर देखते हैं कि आज क्या पकाना है। वह है कि आज जो है वो कोफ्ते बनाने हैं, और कोफ्ते बनाने की रेसिपी है मैं यूट्यूब से देखूंगी और फिर साथ साथ बनाऊंगी और देखते हैं कैसे बनते हैं। कमरा साफ़ हो गया है तकरीबन, बस वहाँ पर थोड़ा बहुत ड्रेसिंग टेबल पर थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं, बस कमरा साफ़ हो गया। ये बैग पता नहीं मेरे घर में क्यों मेरे कमरे में 10 साल से पड़ा हुआ है, इसका मकसद नहीं मुझे पता अभी तक, कहीं ना मैं जा रही हूँ ना आ रही हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे कोफ्ते बन रहे हैं, कोफ्ते में फ्राई कर रही हूँ, मैंने रेसिपी बस देख के कर दी है, प्याज टमाटर कोफ्ते, जैसे मैंने हर चीज़ फ्रीज़ की भी होती है, टमाटर भी प्याज के अलावा बाकी सब चीज़ें फ्रीज़ होती हैं, लेकिन आज जो है मैंने सारी चीज़ें फ्रीज़ करके रखनी हैं, आज वो वाला दिन है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल फ्रेश फ्रेश उसकी प्यूरी बनाई है, और साथ में मैंने टमाटरों की प्यूरी बनाई है, और साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट अभी अभी फ्रेश जो है वो बनवाया ताकि आज फ्रेश फ्रेश जल दे, फिर उसके बाद हम करेंगे तो ज़्यादा फ्राई ना हो जाए। तो अंकल गोर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब फूडी है, ठीक है, खाने का इतना शौक होता है, और मैं यूट्यूब पर देख देख के भी बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे रोज़ डर लग रहा होता है कि यार अगर गलत हो गया तो मतलब इस चीज़ में कोई मार्जिन नहीं है, मतलब खाना अगर ख़राब बनाना इस चीज़ में
कोई भी माफ़ी नहीं है, तो इसलिए मुझे खाना खाते हुए थोड़ा डर भी लगे होता है, कभी बहुत अच्छा बन जाता है और कभी थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है। बस आप पहले वक्त कोफ्ते बना दिए, लग के अच्छे मज़े के बने। और ये आड़ू का स्मूदी सी, मुझे खाना बनाने की जरूरत थी। जी ये फ्राई करेंगे। गोहर खाना खा रहे हैं। गोहर कैसा बना है? और खाना खा रही हैं। मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फ्लू हुआ है, सर में दर्द शुरू हो गई है, लग रहा है बुखार हो जाएगा। वीडियोस भी बनानी है आज, और उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा बस मैं अपनी एनर्जी थोड़ी ला रही हूँ अपने अंदर। और 5:30 हो गए हैं और अब जो है ना पता नहीं बाहर लाइट भी थोड़ी कम होगी तो अब देखते हैं कि किस तरह से करना है सीन। मैंने क्या जो वीडियोज़ बनाई थी वो बनती हैं कि नहीं, लेकिन यार देख लो मेरी डेली लाइफ ऐसी है, बोरिंग सी। बस उठी और ये सारा कुछ किया, सारे काम शाम किए, चीज़ें की, घर माशाल्लाह साफ सुथरा हो गया है, खाना बन चुका है, चीज़ें सारी डन हो चुकी हैं। अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, बैठूँगी, फिर उसके बाद वीडियो के बारे में सोचूँगी कि कौन सी वीडियो बनानी है, क्या करना है। बस यही चलता रहता है यार, इसी तरह से दिन होता है, शाम होती है, रात होती है, बस जिंदगी तमाम होती है। अभी एक पिया पैकेज आया है, इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं, और इसके बाद इसकी भी वीडियो बनानी होगी। तो देखते हैं इसकी वीडियो कब बनानी है, आज ही बनानी है कि बाद में बनानी है। तो गाइस अभी हम आ गए हैं गोहर की नाना के घर, और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे बच्चे फुल, ये सारे पबजी वाले बच्चे हैं, और यहाँ पे एक और ब्लॉग बन रहा है पबजी का। ओहो जी, आप इसको भी सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, लाइक कर दो, बाय। लोग तहजीब आए हुए यहाँ पे नानों के घर से निकल के, हम लोगों ने कहा अब हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम पार्टी करते हैं। आइसक्रीम हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये मेरा गोहर का बड़ा फेवरेट फ्लेवर था, मैंगो चॉकलेट एंड वनीला, लेकिन हमें कोकोनट भी इसमें बहुत पसंद है। तो अभी हम लोगों ने ये लिया है और अभी हम लोगों ने खाया है, बड़ा मज़ा आया है। तो लेकिन मुझे ब्लॉग बनाना याद नहीं रहा, तो अभी ये ख़त्म हो चुकी है। और अब डेयर करेगी साथ ही फैमिली से पिज़्ज़ा का स्लाइस मांगेगी, पीछे जो फैमिली है ना, मैं तो कह रहा हूँ पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो ये डेयर है, मैं क्यों करूँ, मेरा थोड़ी ब्लॉग है, आप क्या, आपका डेयर होना चाहिए, लोग आपको देखते हैं। चलो जाओ, जाओ वो फिर मैं ऑलरेडी बहुत ऑकवर्ड हो रही हूं, हमारे सामने टेबल पे फैमिली बैठी है और वो बिल्कुल इतनी बुरी तरह से हम दोनों को देख रही है कि मैं, मुझे पहली व्लॉग नहीं हो रहा, ऊपर से पिज्जा तो मांग ही नहीं सकती। मांग लेना।